अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो यार आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप सब हैं। यार आपको पता होगा यार कि हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम बल्कि सारे बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत सारे मैं भी खुश हूँ भाई, मैं भी खुश हूँ। क्या ही बताऊँ, कल से यार बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बहुत शुक्रिया यार प्यार दिखाने का, आप सबकी सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं तो यार नहीं पॉसिबल होना था इतना जल्दी यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो यार मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई 1 मिलियन पर क्या करने वाले हैं आप, कोई सरप्राइज दें, कुछ नया करें। मेरे पास ना आप सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा सरप्राइज है, आप सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ दिखाने से पहले हम अपनी बकरों को यार खाना दे देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। चलते हैं। वो बच्चों के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुर्गी मार रही है इसको, डर के भाग गया। चलो यार इनको खाना दे देते हैं फिर। हाँ हाँ चलेंगे नीचे। हाँ इनको खाना दे दो भाई, बहुत भूखे थे। इसको सीधा कर यार, थोड़ा सा सब्र कर लो, क्या हो गया? ओए होए बहुत ही भूखे हैं यार ये। बस 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 इधर इधर जाओ यार तुम, ये है तुम्हारा खाना। चलो भाई, भाई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है यार इस सिचुएशन में। अरे इसका पता नहीं कब बच्चे देगी भाई। 1 मिलियन हो गए, अब तो दे दो यार बच्चे, दे दो इस खुशी में ही दे दो। तो पता नहीं यार कब देगी यार, दे देगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बस सही सुनते आ रहे हैं, महीना हो गया, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। अभी तक नहीं दिया यार। ये देखिए यार सारी मुर्गियां इधर आ गई हैं क्योंकि इनको भी दाना नहीं डाला हुआ था। डालो यार ये डाल के ना, फिर हम जाएंगे अपनी मछलियों के पास, सब कुछ करके हम आपको फिर बाद में देंगे सरप्राइज। आपको पता है क्या सरप्राइज है? हाँ बताओ। केक? नहीं आपको नहीं पता, चुप करो। अरे देखें हर चूजे ने अपने अपने हिस्से का एक एक दाना यहाँ से उठाया, गोश्त का टुकड़ा उठाया और फैल गए हैं। ये देखें अकेले अकेले खा रहे हैं चुप चुप के। यार मुझे ये डर लग रहा है कि ईगल जो है ना, पकड़ो पकड़ो, बहुत खतरनाक सीन हुआ है अभी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अभी मैं बोल रहा था ना मुझे डर लग रहा है ईगल इनके पास ना चला जाए, और ईगल ने क्या किया, यहाँ से छलांग मार के ना चूजों की तरफ आ रहा था, या फिर ये वो गोश्त उठाने के लिए आ रहा होगा। तो मुर्गी ने इतना मारा ना ईगल को, बेचारे को यार फिर हमने उधर रख दिया। देख लो यार मैं ठीक है कि नहीं है, मुर्गी ने यहाँ पे मारा है इसको, ये देखें। हमारी मुर्गी भी यार बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने अपनी सेफ्टी के लिए किया, उसको उसने अपने बच्चों को तो बचाना है ना यार। रख दिया, अब रख दिया, तुम लोग भी खा लो अपना खाना। और आज यार हमारे साथ क्या हुआ, शयान ने आज क्या किया दोस्तों, कि फाउंटेन खोल के नीचे आ गया। हमें पता नहीं था कि फाउंटेन खुला हुआ है, और इस बदमाश ने क्या किया कि सारा का सारा पानी खोल के नीचे आ गया। फिर हम 2-3 घंटों के बाद आए और देखा पानी बिल्कुल यहाँ तक आया हुआ है। जल्दी से मैंने थोड़ा सा ड्रेन खोला, पानी फिर थोड़ा सा नीचे गया, तो फिर सुकून आया। भाई मेरी बात सुनो, आइंदा कोई भी काम करना हो ना पूछ के करना है, ठीक है? हाँ बस मजाक मजाक में बात को ले लिया, बस ठीक है। चलो यार एक तो तसल्ली हुई कि ये मुर्गी अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से केयर कर रही है, किसी को अपने साथ भटकने नहीं देती, जो भी इसके करीब आता है उसको मारने लग जाती है। मतलब ये हुआ कि कोई चील कौवा कोई और कोई कुत्ता बिल्ली आएगा तो फिर ये हमारी मुर्गी अपने बच्चों को सेव कर लेगी। यार इस बकरी का अब आप बताएं कि ये कब बच्चे देने वाली होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट मेरी वीडियो देखते होंगे, और अब आप देख के बताएं कि बच्चे कितने दिनों के बाद देगी, 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। प्लीज यार सही से गाइड कर दें यार, मुझे बहुत इंतजार है इसके बच्चे देखने का। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपने। भाई चूजों को बंद करो, और वक्त आ चुका है भाई सरप्राइज देने का। चलो चलो बंद करके आ जाओ, जल्दी से बंद करो, जल्दी से बंद 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 बंद। चलो चलो नीचे 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 चलो। तो यार आप सब सोच रहे होंगे कि हम बाहर क्यों आ गए हैं। बाहर आने की वजह दोस्तों आपको बताना है कि सरप्राइज आखिर है क्या। आप सब ये देख रहे होंगे खाली प्लॉट है ये, लेकिन यार कुछ दिनों के बाद ये हमारा बनने जा रहा है एक फार्म। बहुत सारे भाई मुझे कहते थे कि भाई आप 1 मिलियन पर ना एक अलग से सेटअप बनाइएगा, तो अलग से सेटअप यार अलग जगह पर बनाना जरूरी था, क्योंकि छत पर आपको पता है सारी की सारी जगहें कंप्लीट हो चुकी हैं, हर पिंजरा बन चुका है। तो मैंने सोचा यार दूसरे घर की छत पर सेटअप बनाने से बेहतर है हम ना जमीन पर एक सेटअप बनाए, छत पर ना बनाए। रख सकते हैं भाई, हमारा जो भी दिल करेगा हमें घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, और एक घर के सामने हमें ये भी सहूलत है, और हमें ये सहूलत है जो हमारा दिल करेगा हम किसी से पूछेंगे भी नहीं, हम लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। यार मैंने सोचा कि हम अपने सेटअप पर जो जो परिंदा हम जो जो जानवर हम छत पर नहीं रख सकते थे वो हम रखेंगे अपने इस फार्म में। बहुत ही बड़ी जगह है ये, हम जो दिल चाहे हम रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि जगह कम है ये है वो है। तो बहुत ही जल्द यार हमारे सेटअप पर काम शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह कल से तकरीबन शुरू हो जाएगा। तो यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर ये है हमारा एक सरप्राइज, आप सबके लिए गिफ्ट और हमारे लिए भी गिफ्ट।
तो यार अभी तो बहुत ज्यादा कचरा है, इसकी सफाई करनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि हमने किस तरह बनवाना है और क्या क्या रखना है। एक आइडिया आपको दे देता हूँ जो कि हमें अभी जो आ रहा है, बाद में देखेंगे साथ साथ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यार वहाँ पर देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाउंड बनेगा जहाँ पे बतखें होंगी, ठीक है, और एक फिश पाउंड भी होगा, वो भी हम उसके साथ ही बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोर रखेंगे, यहाँ पर मोर होंगे, और क्या होगा, एक हमारा गार्ड डॉग होगा जो हमारे परिंदों की, जानवरों की हिफाजत भी करेगा, वो भी रखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर जो जो मतलब जितनी जितनी जगह बनती जाएगी, हम अच्छी अच्छी चीजें जो कि हमने पहले नहीं रखी वो हम रखेंगे, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। शेर भी रखेंगे, शेर बस, एक छोटा सा मैं शेर लेकर आऊंगा, शेर का बच्चा, और उसको मैं टेम करूंगा, पालूंगा, देख लेना मैं करके दिखाऊंगा। भाई ये काम तो बहुत ही मुश्किल है अभी, लेकिन ये ख्वाब समझ लें, नहीं नहीं मैं पूरा करके दिखाऊंगा सिद्धांत, मैं शेर का बच्चा एक लेकर आऊंगा भाई, कसम से ये तो मैं ऐसे समझो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगर तो आप पूरा कर देता है तो। आज ये खुद कह रहा है, वैसे मेरी एक ख्वाहिश थी कि जगह है पहले हाँ। छत पर कहाँ रख सकते हैं, हाँ। यहाँ पर बहुत जगह है यार, हाँ। तो कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसा रखेंगे जो ये देखेंगे भाई, देखेंगे जब टाइम आएगा फिर देख लेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया ये प्लॉट है, इधर काम शुरू हो जाएगा कल से इंशाल्लाह। और ये दरख्त वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये हम नहीं हटाएंगे यार, एक ये वाला दरख्त और एक है वो सामने बेर का दरख्त, ये हमारे इस प्लॉट में रहेंगे ताकि हमारे परिंदे छांव में बैठ सकें, क्योंकि यार नए जब हम दरख्त लगाएंगे ना वो बहुत टाइम ले जाते हैं बड़ा होने में, तो ये बड़े दरख्त हमारे मौजूद है तो इनको काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो यार आप सबने मुझे बताना है कि आपको सरप्राइज कैसे लगा है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और आप सबने ये भी बताना है कि हम इस फॉर्म में क्या क्या रखें क्या क्या ना रखें। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, एक बार फिर से आपको कहूंगा बहुत शुक्रिया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं यार। ज्यादा चिल्ला रही है, मुझे लगता है आज कुछ होने वाला है जो कि हम इंतजार में है ना, वो होने वाला है मेरे ख्याल में, उसकी चीख से पता लग रहा है यार, सारे चीख रहे हैं भाई, सबने बच्चे देने हैं, उसको देख के चीख रहे हैं कि पूछ रहे हैं उससे तुम्हें क्या मसला है, यही वजह है इनको यार भूख लगी है, भूख, अच्छा इसलिए चीख रहे हैं। जानता हूं आप बिजली का खाना देखना चुप कैसे होती है। हमारी बकरियां बहुत ज्यादा हाइजीन पसंद है, देखें अभी थोड़ी देर पहले ये थोड़ा सा क्या पुराना हुआ घास छोड़ दिया, अब नया डाला तो खाने लग गई, क्या बात है भाई, सेहत का बहुत ख्याल है इनको भाई। ओए अंदर छोड़ दो, बाहर क्यों लेके आ रहे हो, खिलौना नहीं है, खिलौने की तरह खेलते यार जानवरों के साथ। एक तो यार बड़ी मुश्किल से वो अंदर जाते, तुम उनको डराने आ जाते हो फिर यहाँ पर। ये देखिए यार हमारे सारे कबूतर ना अपने अपने खानों में बैठे हुए हैं सुकून से, आज कोई टेंशन नहीं है, या तो सियान उड़ा देगा इनको या तो हमारी ब्लैकी आती है वो इनको डराती है फिर वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन अभी ये आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। यार हमारी ब्लैकी जो है ना बेवफा होती जा रही है, ये सेटअप पर नहीं रहती, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, दूसरे घर में आई हुई है, आ जाओ, क्या यार ये गलत बात है यार, इसको सेटअप पर ही रहना चाहिए, इसको ढूंढते रहते हैं हम, इसको खाना खिलाना होता है, बल्कि आज मैंने इसको खाना भी इधर ही दिया है क्योंकि सेटअप पर नहीं थी ना, अभी लेके जाते हैं इसको वापस दूसरे घर में दे यार, इसको यहीं पे ही रखो यार, यहाँ पे इसका घर बनाया हुआ है यहीं पे रहती है, लेकिन नहीं अब एक दो दिन से यहाँ से भाग जाती है यार। वहाँ पर ना फार्म में ब्लैकी का भी घर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट। ओह यार फुल कर दिया सियान तुमने, इसकी वजह से ही हुआ है, नहीं तो वो जंप कर लेते थे, अभी ये जंप करने लगे थे तो क्या हुआ कि पर इनके जो है ना गीले थोड़े से हुए होंगे, फिर वो नीचे फड़फड़ाने लग गए सिर्फ इसकी वजह से। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, यार सिद्धांत मैं सोच रहा हूँ कि इस ईगल को रैबिट हाउस में शिफ्ट करते हैं, अगर किसी मुर्गी ने अंडा दिया ना दोस्तों, मुझे शक है कि ईगल उस अंडे को तोड़ देगा, सिद्धांत ने मुझे ये डर बिठाया है ध्यान में कि हमारी उस मुर्गी के अंडे भी ये तोड़। भाई जब अंडे आएंगे ना फिर देखेंगे, जितने हजार अंडे उन्होंने दिए हुए ना हमें पता है, एक अंडा भी नहीं देती हमारी फैंसी मुर्गियां यार। नहीं अभी छोड़ दो, जब एक भी अंडा आएगा ना हम इसको शिफ्ट कर देंगे, अभी रख दो इसको। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आप सबका फिर से एक दफा बहुत शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिखाया, इतना जल्दी हम ग्रो हुए, बहुत शुक्रिया, और कल हमारा काम भी शुरू हो जाएगा हमारे न्यू फॉर्म में। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।